वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी एडुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 14 जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, राइट। और एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसका बेस कितना मेजर किया हुआ 80 सेंटीमीटर है एंड इट्स एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आइसोस्केलस का ट्रायंगल का एरिया जो है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा वो निकालना है। बहुत ही आसान है, आप देखिएगा कैसे कैसे मैं स्टेप बाय करता हूं, ठीक है ना। लेट्स सी हियर नाउ, देखिए यहां पर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे क्योंकि ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिखना, ठीक है ना। और जो गिवन दिया वो लिख लेता हूं। यहां पर जो दिया हुआ क्या एरिया आपको दे दिया, एरिया कितना दिया हुआ, एरिया दिया हुआ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। और जो बेस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, बेस आपको दे चुका है यहां पर 80 सेंटीमीटर, राइट, ये दिया हुआ। अब करना क्या होगा हम लोगों को, सिंपल सा कहानी है इसमें कि एरिया इसमें पेरीमीटर तो निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, आपको आइसोस्केलस का फॉर्मूला पता होगा एरिया का, तो हम एरिया निकालेंगे। आइसोस्केलस है तो आइसोस्केलस का एरिया का फॉर्मूला ये होता है बी बाई फोर इंटू रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहां पर नौ चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके क्या होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो लिखेंगे बी बाई फोर इंटू रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आइसोस्केलस का एरिया का, ठीक है ये। अब मैं देखिए तो ध्यान से बेस दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर रख लेता हूं 4 इंटू, और एरिया भी दिया हुआ 360, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये आप तो 4 हो जाएगा ए, ठीक है, और उसके बाद बी दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ स्क्वायर में। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। इसके बाद हम सोल्व करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, देखिए कैंसिल कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा 20 टाइम्स में कैंसिल होगा, 4 टू जा 8 और 0 रहेगा। अब क्या कैंसिल होगा, तो 300 देखिए इस तरह से आपको कुछ गेन हुआ, राइट, इस तरह से गेन हुआ। अब देखिए तो 4 ए स्क्वायर रहेगा माइनस 80 का स्क्वायर क्या होता है, 80 का स्क्वायर होता है इतना, ठीक है ना, ये आपका 6400 होता है, राइट, 6400 ये आपको स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, ये सिंपल सा इसमें कहानी देखिए, तो ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा 360 डिवाइडेड बाय 2, राइट, और उसके बाद आ गया ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो डिवाइड में आ गया। अब यहां पर लिखाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस 6400, ठीक है। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट्स नहीं हो, ए 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 18 टू जा 36, इट मींस कह सकते 18 आया इक्वल यहां पर कुछ इस तरीके से आया 4 ए स्क्वायर और माइनस 6400 ए आया। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा अगर हमें रूट हटाना होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है ना, लिखेंगे क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या प्राप्त होगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल यहां पर रूट देखिए 4 ए स्क्वायर माइनस 6400 का होल स्क्वायर, ये आपको इस तरह से होगा, ठीक है, ये डॉट नहीं होना चाहिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल सा मैं मेथड क्या हूं। 18 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 18 का स्क्वायर 324 होता है, राइट, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं तो 4 ए स्क्वायर बचा, 4 ए स्क्वायर यहां पर बचा, ठीक है, माइनस 6400 यहाँ पर इस तरह से गेन हुआ। अब तो कोई डॉट्स नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है, 324 इक्वल 4 ए स्क्वायर माइनस 6400 इस तरह से हमें गेन हुआ, ठीक है ना, इस तरह से हमें गेन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां से,
आई थिंक, लेकिन आप देखिए यहां पर इस तरह से तो गेन हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा मेथड आपको यहां पर करना होगा, 3 2 4 माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, ये आ जाएगा 00 इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए ऐड करते तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3, 4 और 3 7 हो जाएगा और 6 हो गया, इस तरह से आ रहा है। और उसके बाद 4a स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, 4a स्क्वायर आ गया। अब देखिए तो यहां पर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा ना, तो आप सिंपल सा कर सकते हो 6 7 2 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि क्या आ जाएगा a स्क्वायर। यहां पर देखिए तो सिंपल सा मैं कैंसिल करता हूं, कैंसिल क्या होगा किस तरह से देखिए, यहां पर ये आपको इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर कैंसिल होगा इस तरह से, कैंसिल आपको हो गया। आप कैंसिल होने पर देखिए क्या प्राप्त हो गया, 6 8 1 इसके बाद a स्क्वायर। अब देखिए यहां पर स्क्वायर है तो रूट में जाएगा, ये आपको इस तरह से रूट में गया, रूट में जाने के बाद a आ गया, ठीक है ना, स्क्वायर है तो रूट में आ जाता है। ये आपका 41 का स्क्वायर आ जाएगा, जाकर आप अगर आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आते हैं तो आपको आना चाहिए। a इक्वल क्या आया, 41 आया, राइट, a इक्वल 41 हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सिर्फ स्क्वायर रूट जाकर समझिए किस तरह से स्क्वायर रूट होते हैं, वो जाकर समझ लोगे आसानी से आपको गेन हुआ। तो यहां पर गेन क्या हुआ हमें, ए मतलब साइड निकल के आया 41 और आइसोस्केलर से तो ये आपको 41 सेंटीमीटर और ये 41 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको 41 सेंटीमीटर ए भी निकल जाएगा सेंटीमीटर, इस तरह से आपको निकल गया। अब देखिए हमें निकालना क्या था, आइसोस्केलर से यानी कि टू साइड इक्वल होते हैं ट्राइंगल का, दो साइड इक्वल होते हैं, ये 41 थे ये भी 41 हो जाएगा, ये तो बेस 80 सेंटीमीटर दिया हुआ। और क्या करेंगे हमें गेन करना है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा ट्राइंगल का, ट्राइंगल का पेरीमीटर ये निकालना बहुत ही आसान है। पेरीमीटर यानी कि ट्राइंगल का पेरीमीटर तो यानी कि सम ऑफ ऑल साइड, तो लिखेंगे यहां पर नाउ पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे तो पेरीमीटर गेन हो जाएगा। तो पेरीमीटर को डायरेक्ट मैं लिख देता हूं पी, ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा 41 प्लस 80, ये आपका क्या आ जाएगा पेरीमीटर 162 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आपका यहां से आंसर हो गया, राइट, यहां से आपका आंसर गेन हो गया। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।